हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अपनी यूनिवर्सिटी। स्वागत है आप सबका। आज की क्लास में हम करने वाले हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन मैंने आपको पहले भी करवाए हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैंने लीनियर मॉडल्स जो थे वो कुछ डिस्कस किए थे। आज हम उसी क्लास को आगे कंटिन्यूएशन में लेके चलेंगे। ये क्लास जो है वो पुरानी क्लास का पार्ट टू है, ठीक है। आई होप दी ऑडियो इज एब्सोल्यूटली क्लियर। अगर ऑडियो क्लियर है तो एक बार थम्स अप दे दीजिए। साथ में ही एक इम्पॉर्टेंट बात भी डिस्कस कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं और उसकी तैयारी हमें बहुत अच्छे से करनी है, और अच्छे से करने के लिए हमें अच्छे रिसोर्सेज चाहिए, अच्छी गाइडेंस चाहिए, जो आपको मिलेगी हमारे एकलव्य बैच में। एकलव्य बैच जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी के मोबाइल एप्लीकेशन पे हम रन करते हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, एकलव्य बैच भी मिल जाएगा जहाँ पर कम्प्लीट कोर्स कवर होता है। आपको जो PDFs हैं, जो नोट्स हैं, वो बायलिंगुअल मिलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलते हैं, ठीक है। साथ ही में आपके डाउट्स वीकली क्लियर होते हैं, वन ऑन वन आप टीचर से बात कर सकते हैं। ये सारे ही फीचर जो है आपको एकलव्य बैच में मिलते हैं। और साथ ही एक और मैं बहुत अच्छी बात आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आज आप लोगों को पता है रामनवमी है, तो रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। और इसी उपलक्ष्य में, रामनवमी के उपलक्ष्य में, हमारे जो अपनी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन है उस पर जितने भी कोर्स हैं सबके ऊपर 21% का ऑफ चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ आज के लिए 21% का डिस्काउंट है हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर एकलव्य बैच आप लेने की सोच रहे थे तो आज सबसे बेस्ट डे है, आज आप इसको ले सकते हैं, बिकॉज आज आपको मिलेगा 21% का डिस्काउंट भी, ठीक है। तो श्योरिटी से आज जो है एकलव्य बैच को चेक करें और उसके अंदर अपना एडमिशन करवाएं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं अब हमारी क्लास में। देखिए, मैंने जो है आपको लीनियर मॉडल्स करवा दिए थे, एरिस्टोटल, लास्वेल, शैनन वीवर, ये हम कर चुके थे। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे बर्लो के मॉडल से। बर्लो का जो मॉडल है ना वो काफी पॉपुलर है और इसमें बहुत सारे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। आपने देखा भी होगा लास्ट टाइम के भी PYQs, अगर आपने थोड़ा भी एनालिसिस किया है तो आपको पता होगा कि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बर्लो के मॉडल को बहुत पॉपुलरली जाना जाता है SMCR मॉडल से। इन्होंने जो कम्युनिकेशन के 5 कंपोनेंट्स थे उनको इन्होंने SMCR के नाम से डिनोट यहाँ पे कर दिया है। S का मतलब है सोर्स, ठीक है। सोर्स मतलब जहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है, इंफॉर्मेशन आती है सेंडर से, तो यहाँ पे सेंडर का नाम इन्होंने कर दिया सोर्स। फिर है आपका मैसेज, फिर है आपका चैनल, और R से है आपका रिसीवर, जिसके लिए कि ये मैसेज बना हुआ है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप अगर जिसको आवाज़ नहीं, अब बेटा अगर स्लो आ रही है ना, प्लीज़ अपने फ़ोन के वो वॉल्यूम को चेक करो, ठीक है। और अगर मेरी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है तो सब लोग एक बार चैट बॉक्स में डाल दो ताकि मैं चेक कर लूँ, ओके, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था यहाँ पे, बर्लो ने जो दिया था, बर्लो ने क्या बोला कि जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं कम्युनिकेशन के, उन सब के कुछ फीचर्स हैं। जैसे सेंडर है, सेंडर अगर कम्युनिकेशन करेगा तो कुछ ऐसी बातें हैं जो उसकी कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट करेंगी। जैसे सेंडर की कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, उसकी नॉलेज कैसी है, वो कौन से बैकग्राउंड से आता है, उसकी प्रायर लर्निंग क्या रही है, ये सारी ही चीज़ें जो हैं मैसेज को, कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट करती हैं। तो इन्होंने क्या किया था, हर एक कॉम्पोनेंट बताया था कम्युनिकेशन का, साथ ही में उसके एलिमेंट्स भी बताए थे, उसके फीचर्स भी बताए थे कि भाई कम्युनिकेशन जो है वो इन्हीं फीचर्स पे भी डिपेंडेंट है। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं सोर्स। सोर्स मतलब है आपका सेंडर। अब यहाँ पे आप देखोगे कि सोर्स और जो रिसीवर है इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी सेम है। कम्युनिकेशन कितना अच्छा होगा वो डिपेंड करता है कि आपका सोर्स की कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, आपका सेंडर जो है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, कितना इफेक्टिवली वो आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा है, उसका एटीट्यूड कैसा है ना। अगर कोई नेगेटिव एटीट्यूड रखेगा तो उसकी बात हमें जल्दी से नहीं समझ आती, बट अगेन एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है या नहीं है, चीज़ों को देखने का तरीका क्या है, ठीक है, बात करने का लहजा क्या है, ये सारी चीज़ें एटीट्यूड में आती हैं। फिर आता है नॉलेज, कि आपका जो सेंडर है उसकी नॉलेज कितनी है, उसे जो भी वो मैसेज आपको कम्युनिकेट करने वाला है उसके बारे में उसे कितनी जानकारी है। एंड लास्ट है सोशल कल्चरल सिस्टम, कि वो कौन से कल्चर सिस्टम से आ रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है। ये बातें उन्होंने बताई हैं सेंडर के बारे में, और सेम ही बातें आप रिसीवर के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ सेंडर पर डिपेंड नहीं करता, रिसीवर पर भी करता है। रिसीवर की कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, क्या वो एक एक्टिव लिसनर है या नहीं, क्या वो सारी बातों को अपने दिमाग में रिटेन कर पा रहा है या नहीं, उसका एटीट्यूड कैसा है, वो कौन से बैकग्राउंड से आता है, रिसीवर की नॉलेज कितनी है कि वो इतनी है या नहीं कि वो मैसेज को समझ सके जो सेंडर से आ रहा है,
राइट, तो दोनों में ही यही क्वालिटीज यहाँ पे आएंगी। उसके बाद एस के बाद आता है आपका एम, एम इज मैसेज। मैसेज मतलब वो संदेश जो आप देना चाहते हो, जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो। अब मैसेज भी डिपेंड करता है भाई, यहाँ पे जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो मैसेज क्या है जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, वो दैट इज द मैसेज, राइट। अब मैं अगर उस मैसेज को एक स्ट्रक्चर नहीं दूंगी, एक लॉजिकल तरीके से अरेंज नहीं करके लाऊंगी, या उसमें जहाँ पे इमेजेस डाली वहाँ इमेजेस नहीं डालूंगी, या जहाँ टेक्स्ट अच्छा रखना है मैंने टेक्स्ट अगर नहीं रखा, तो क्या ये कम्युनिकेशन प्रॉपर हो पाएगा? ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, राइट। तो कम्युनिकेशन में हमको ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से हमने कम्युनिकेशन, किस तरीके से हमने मैसेज को बनाना है, क्या उसका कंटेंट होगा, उसके एलिमेंट स्ट्रक्चर कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं हम मैसेज के बारे में ध्यान रखते हैं। क्या यहाँ तक बात सेम समझ आ रही है क्या? सेंडर एंड रिसीवर के सेम होते हैं, हाँ। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? यस और नो? साथ साथ है बेटा चैट बॉक्स पे एक्टिव रहो एटलीस्ट, है ना, यस नो ऐसे डालते जाओ ताकि मुझे पता रहे कि आप लोग भी समझ रहे हो। सिर्फ फ़ोन रख के बैठना नहीं है, आपको एक्टिव भी रहना है, साथ में अपने नोट्स भी बनाओ और कमेंट चैट बॉक्स में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी मुझसे पूछ लो, और यस नो लिखते जाओ, ठीक है। और फिर आता है आपका चैनल। चैनल का मतलब है कि कौन से जरिए से आपकी जो बात है वो सेंडर से रिसीवर तक जा रही है। भाई हम जैसे जो हमारी 5 सेंसेस होती है ना, उन्हीं को यहाँ पे कैटेगराइज किया है चैनल में। मतलब आप किसी की बात को कैसे समझोगे, किस जरिए से आप किसी की बात को समझोगे, या तो सुन के, या देख के, या टच करके, या स्मेल करके, राइट। कि भाई अगर आपको मेरी बात सुननी, मैं जो कह रही हूँ वो आप तक अगर मुझे पहुँचाना है तो कौन से जरिए से पहुँचाऊँगी, मैं बोलूँगी और आप उस चीज़ को सुनोगे, राइट। तो सीइंग, देखना, सुनना, टच करना, स्मेल करना, टेस्ट करना, ये सारे वो जरिए हैं जिनसे कम्युनिकेशन होता है। हमारी 5 सेंसेस की यहाँ पे ये बात हो रही है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है क्या, बताओ? यस, हमारे सेंस ऑर्गन्स इंक्लूड है, यस यस यस। चलो बताओ, बर्लोस का मॉडल क्लियर है क्या? क्योंकि यहाँ पे यही चीज़ें हैं, जैसा मैंने कल समझाया था, आप लोगों ने नोट्स भी उसी तरीके से ही बनाने हैं। बताओ, बर्लो का मॉडल अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट मॉडल पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके लीनियर मॉडल जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं, लीनियर मॉडल्स आर डन। अब आएगा आपका इंटरैक्टिव मॉडल। इंटरैक्टिव मॉडल का मतलब क्या है? जहाँ टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, जहाँ पे सेंडर भी रिसीवर को कुछ कह रहा है और रिसीवर भी सेंडर को कुछ कह रहा है, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं भाई, जो आपका सेंडर है ना वो रिसीवर को कोई मैसेज दे रहा है, और जो रिसीवर है वो आपके सेंडर को क्या देता है, फीडबैक देता है, ठीक है। और ये कम्युनिकेशन जो है ना इनके बीच में, ये ज्यादा देर कंटिन्यू नहीं करता, प्लस इसके अंदर जो फीडबैक है वो डिलेड हो मिलता है। ऐसा नहीं कि हाथों हाथ अभी के अभी मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो फीडबैक आता है वो डिलेड आता है। जैसे मैं अभी आप लोगों से यहाँ पे बात करती हूँ, है ना, अब मान लो मैंने कोई रिकॉर्डेड वीडियो डाल दी, अब उसके ऊपर आपके कमेंट्स आएंगे बाद में, है ना, फिर मैं उन पर रिप्लाई करूँगी। तो ये क्या है, इंटरैक्टिव मॉडल का एग्जाम्पल है कि जहाँ पे हम बात तो कर रहे हैं, मुझे फीडबैक भी आ रहा है सामने से, बट फीडबैक उसी टाइम नहीं आ रहा है, स्पॉन्टेनियस नहीं है। फीडबैक कैसा है, डिलेड फीडबैक है, ठीक है। अब इंटरैक्टिव मॉडल में सबसे पहला मॉडल जो आपको देखना है वो है श्रैम्स का मॉडल। श्रैम का मॉडल दिया था विल्बर श्रैम्स ने, और ये दिया था 1954 में, और इन्होंने ये बताया था कि जो इंटरैक्टिव नेचर है कम्युनिकेशन का, इस बारे में इन्होंने यहाँ पे हमें बताया था कि कम्युनिकेशन लीनियर नहीं हो रहा है। भाई जो आपने पहले जो 5 कंपोनेंट्स बताए वो तो है ही हैं, साथ में यहाँ पे फीडबैक का एलिमेंट भी ऐड करना होता है, ये श्रैम ने हमको बताया था अपने मॉडल में। देखो यहाँ पे सोर्स है, मतलब आपका सेंडर है, वो एनकोड करके मैसेज भेजता है और रिसीवर उसको रिसीव करता है और उसे डीकोड करता है। अब यहाँ पे एक एलिमेंट जो श्रैम ने एक्स्ट्रा बताया वो था फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि जो आपका सेंडर है और आपका रिसीवर है वो दोनों ही कुछ कुछ एक्सपीरियंस, कुछ कुछ थॉट्स अपने दिमाग में ऑलरेडी लेके आते हैं, जिसके बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी लर्निंग्स के बेसिस पे वो मैसेज को समझते हैं, मैसेज का कम्युनिकेशन करते हैं। ये जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस वाली जो पॉइंट है ना, ये हाईलाइट है श्रैम्स के मॉडल का, ठीक है। देखो शेयर्ड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ये क्या होता है,
शेयर्ड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब है कि जो सेंडर और रिसीवर है उनका कुछ ना कॉमन बैकग्राउंड नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपरली हो पा रहा है। रिसीवर को सेंडर की बात अच्छे से समझ आ रही है और सेंडर जो रिसीवर है वो भी अच्छे से अपना फीडबैक दे पा रहा है। तो शेयर्ड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस या फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे यही है कि आपके जो सेंडर और रिसीवर है वो कुछ प्रायर लर्निंग, कुछ प्रायर नॉलेज, कुछ प्रायर एक्सपीरियंस ऑलरेडी लेके आते हैं अपने साथ और वो उन्हीं के बेसिस पे, उन्हीं की मदद से दे कम्युनिकेट विद ईच अदर। और यहाँ पे एलिमेंट रहता है फीडबैक का भी, कि फीडबैक क्या है। फीडबैक भी यहाँ पे बहुत जरूरी है और फीडबैक जो है वो वर्बल या नॉन वर्बल कैसे भी हो सकता है, ठीक है। फीडबैक जो है वो वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग मेरे सामने बैठे हुए नहीं हो, है ना, तो आप लोग बोल तो नहीं सकते, तो आप मुझे लिख के दे रहे हो कि यस मैम समझ आ गया। अगर मेरे सामने होते तो अपनी गर्दन हिलाते ऐसे, नॉडिंग करते कि यस मैम समझ आ गया, है ना, नॉड करते ना ऐसे। तो आप यहाँ पे कहने का मतलब है कि फीडबैक जो है वो आपका वर्बल और नॉन वर्बल कैसे भी हो सकता है। क्या श्रैम्स का मॉडल यहाँ पे समझ आ गया है, बताइए। क्या श्रैम का मॉडल यहाँ पे समझ आ गया है आप लोगों को? मैं ये जो मॉडल था ना ये काफी शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ बिकॉज आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हर एक मॉडल जो है ना उसका की पॉइंट याद रखो कि इसके अंदर क्या अलग दिया था और उस अलग ही पॉइंट को लिख लो और कि क्वेश्चन जो है वो उसी के बेसिस पे ही बनेंगे। बात क्लियर है? अगर आपसे पूछे शेयर्ड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस आ रहा है या फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस आ रहा है या सेंडर और रिसीवर की प्रायर लाइफ के एक्सपीरियंसेस या नॉलेज आ रही है, तो यहाँ पे बात एकदम क्लियर है कि हम श्रैम्स मॉडल की ही बात कर रहे हैं। इसके लिए मैं एक घंटा एक एक मॉडल को टाइम वेस्ट करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। तो हम कीवर्ड से ही हमेशा से पढ़ते आए हैं, हम वैसे ही पढ़ेंगे और एट दी एंड हम इनके कुछ PYQs भी करेंगे। श्रैम ने यहाँ पे एक और चीज भी बोली थी नॉइज के बारे में। अब नॉइज जो है, नॉइज मतलब ऐसे सारे बैरियर्स जो कि आपके कम्युनिकेशन को ठीक से नहीं होने देते हैं। नॉइज मतलब क्या है? नॉइज मतलब वो सारी बाधाएं हैं जो आपके कम्युनिकेशन को ठीक से नहीं होने दे रही। जैसे आपके आसपास अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है, तो वो क्या हो गया? आपका फिजिकल नॉइज हो गया। वो कि आसपास बहुत ज्यादा शोर है, नेटवर्क का इशू आ रहा है, ये सब, ठीक है। इसके बाद अगर हम आते हैं सिमेंटिंग नॉइज पे, सिमेंटिंग मतलब भाषा से रिलेटेड, कि आपसे सामने वाला ऐसी कोई भाषा में बात कर रहा है जो आपको नहीं समझ आ रही। भाई कोई मेरे सामने अभी आके अगर तेलुगु बोलेगा तो मुझे नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सिमेंटिक बैरियर हो गया। साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? जो इंसान के दिमाग में धारणाएं बैठ जाती हैं वो साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई आपके दिमाग में बैठ गया कि ये जो बंदा है, ये जो मेरा फ्रेंड है, ये जब भी आइडिया देता है, ये जब भी मुंह खोलता है, ये बकवास ही बात करता है। अब कभी वो अगर सही बात भी कर रहा होगा ना तो भी आप उसकी बात पे ध्यान नहीं दोगे, उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनोगे। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा। वाई? बिकॉज आपके दिमाग में ऑलरेडी धारणाएं बैठी हुई हैं। इसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। ये जब हम बैरियर्स जब मैंने आपको पढ़ाए थे तो मैंने उसमें भी ये चीज़ें क्लियर करी थी, ठीक है। तो नॉइज मतलब सिर्फ फिजिकल नॉइज नहीं है, नॉइज मतलब वो सारी चीज़ें जो कि कम्युनिकेशन में एक बैरियर क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आता है वेस्लीज एंड मैकलिन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये क्या कम्युनिकेशन का मॉडल है? ये दिया किसने था? ये दिया था वेस्ली और मैकलिन दो जनों ने। और इन्होंने क्या बोला था कि कम्युनिकेशन जो है ना वो सोर्स या सेंडर से शुरू नहीं होता है। वो कहाँ से शुरू हो रहा है? वो इन्वायरमेंट के फैक्टर से शुरू होता है। इन्होंने ध्यान से सुनना ये वाला मॉडल, ध्यान से ये वाला मॉडल सुनना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कम्युनिकेशन, अभी तक अपन क्या पढ़ के आए हैं कि भाई सेंडर होता है सबसे पहले। वेस्ली और मैकलिन ने कहा कि सेंडर सबसे पहले नहीं आता है, सबसे पहले आते हैं एनवायरनमेंट के फैक्टर्स। ऐसी कुछ सर्कमस्टांसेस, ऐसी कुछ सिचुएशंस होती है एनवायरनमेंट के अंदर जिसकी वजह से कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो मैं आपको दे सकती हूँ वो था कोविड के टाइम पे। ध्यान से इस वाले मॉडल को समझना, एक बार में समझ आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, और नहीं समझ आया तो फिर चलता ही रहेगा, ओके। तो ध्यान से अभी मेरी बात सुनना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। आप सबको पता है कि एक बार जो है वर्ल्ड के अंदर COVID-19 आया था, है ना, ये पैंडेमिक आया था। अब ये जो पैंडेमिक है ना बेटा, ये यहाँ पे एनवायरनमेंट का फैक्टर है। ये हुआ कि एनवायरनमेंट में कोई एक चीज हुई, COVID-19 आया,
जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने टीवी पे आके अपना इंटरव्यू दिया और सारे लोगों को अपना मैसेज दिया। और जो वो मैसेज है वो टीवी के जरिए, टीवी जो था हमारे यहाँ पे चैनल था, टीवी के जरिए जो है वो जनरल पब्लिक तक पहुंचा। और पब्लिक का मतलब क्या है? आपके रिसीवर्स। भाई एक बात बताओ, प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्यों हमको बोलते कि भाई आके थालियां बजाओ? क्यों उन्होंने कम्युनिकेशन किया? क्यों वो लोगों के साथ थोड़े थोड़े टाइम में इंटरेक्ट कर रहे थे लॉकडाउन के दौरान? बिकॉज COVID-19 चल रहा था। तो इस एनवायरनमेंट की फैक्टर की वजह से क्या हुआ, आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, पीएम ने बात करनी शुरू करी, अपना मैसेज उन्होंने फॉर्म किया और टीवी के माध्यम से पब्लिक तक अपना मैसेज पहुंचा दिया। यही है मैकलेन और वेस्ली का मॉडल, ठीक है। गुड मॉर्निंग। नॉइज साइकोलॉजिकल बैरियर, अगर आपको कोई डाउट है तो बेटा उसको ऐसे लिख के भेजो कि मैम ये वाला पॉइंट समझाओ, ठीक है। वैसे लिखने से मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे बता रहे हो या पूछ रहे हो। जनरली हमने क्या देखा था कि यहां से देखते थे हम कि भाई सेंडर है, पीएम है, मैसेज है, चैनल है और रिसीवर है। बट वेस्ली और मैकलेन ने बोला कि नहीं, सबसे पहले एनवायरनमेंट के फैक्टर आएंगे, उसके बाद जाके आपका मैसेज, आपका कम्युनिकेशन शुरू होगा। इसका एक और एग्जांपल ये भी ले सकते हो कि आप रास्ते पे जा रहे थे, अब जो ब्रिज है ना या रोड पे जो कुछ भी, मान लो कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ, ठीक है। अब एक्सीडेंट क्या है? एनवायरमेंटल फैक्टर है जिसकी वजह से आप जो है अपने घर पे फोन करके बोलोगे कि अरे मम्मी यहाँ पे रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है तो मुझे घूम के आना पड़ेगा तो मुझे लेट हो जाएगा। अब ये आपका आपका जो कम्युनिकेशन था ये किसकी वजह से शुरू हुआ? बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे वेस्ली और मैकलेन ने क्या बोला कि एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस आते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जिसकी वजह से जो है कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है क्या सबको? बताओ। यहां तक बात क्लियर है? क्योंकि यही इस मॉडल में बोला गया है। बताइए। ओके, आप बता रहे हो, ठीक है। यस और नो फटाफट मैसेज करिए, समझ आ गई है तो। और ये जो पिक्चर है ना इसमें भी आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसके अंदर देखो ये जो एक्स है ना सारे, ये क्या है? आपके एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें होती हैं उसकी वजह से, ये जो ए है, ए मतलब आपका सेंडर, सेंडर जो है वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करता है। और बी जो है वो आपका रिसीवर है, ए अपनी बात को बी तक कहता है बाय द हेल्प ऑफ सी। सी क्या है यहाँ पे? सी मतलब है यहाँ पे चैनल। वेस्ले और मैकलेन ने अपने मॉडल के अंदर चैनल के लिए एक नया नाम निकाला है, गेटकीपर, ठीक है। चैनल के लिए उन्होंने एक नया नाम निकाला, गेटकीपर। गेटकीपर क्या होता है कि भाई जैसे आपने देखा होगा कि पुराने जो राजा महाराजाओं के महल होते थे वहां पे अगर किसी को जाना है, राजा तक अगर पहुंचना है तो बीच में चौकीदार वगैरह वो सब होते थे, गेटकीपर्स, ठीक है। उनसे परमिशन लेके ही, उनके जरिए ही आप राजा तक पहुंच सकते थे। तो यहाँ पे भी जो मैसेज है वो ए से लेके बी तक कैसे पहुंच रहा है? एक चैनल की वजह से पहुंच रहा है और उसी चैनल को इन्होंने यहाँ पे गेटकीपर कहा है। गेटकीपर और कुछ नहीं है, गेटकीपर का मतलब है चैनल, वो जरिया जिसके माध्यम से बात यहाँ पे, कम्युनिकेशन यहाँ पे हो पा रहा है, ठीक है। और उसके बाद बी जो है वो ए को, मतलब जो रिसीवर है वो सेंडर को क्या दे रहा है? फीडबैक दे रहा है। तो हमने वेस्ली और मैकलेन के मॉडल में यही समझा कि ये क्या कह रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो दो तरफा, कम्युनिकेशन है जो एनवायरनमेंट फैक्टर से शुरू होता है, ना कि सेंडर से, बट एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी घटना घटित होती है जिसकी वजह से संचार जो है वो शुरू होता है, कम्युनिकेशन शुरू होता है, ठीक है। और यहाँ पे कम्युनिकेशन के अंदर उन्होंने बोला सबसे पहले आते हैं एनवायरनमेंट के फैक्टर्स, फिर आता है हमारा सेंडर, फिर आता है हमारा चैनल। चैनल के लिए इन्होंने यहाँ पे नया नाम निकाला, विच इज गेटकीपर। गेटकीपर का मतलब चैनल ही है, वो जरिया जिससे आप बात अपनी पहुंचा रहे हो, ठीक है। तो जो सेंडर है वो चैनल के जरिए, गेटकीपर के जरिए रिसीवर तक अपनी बात पहुंचाता है और फिर रिसीवर जो है वो सेंडर को फीडबैक देता है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है क्या? बस इतना ही समझना है वेस्ली और मैकलेन के मॉडल में, बस इतना ही आपको यहाँ पे समझना है। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है?
आपके जो इंटरैक्टिव मॉडल थे ना, उसके अंदर हमने दो मॉडल्स करे हैं। पहला कौन सा? श्रैम्स का मॉडल, और दूसरा हमने किया है वेस्लीज और मैकलीन्स मॉडल। इसके बाद हम करेंगे ट्रांजेक्शनल मॉडल्स, जो हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। आई होप आज जो मैंने आपको मॉडल्स पढ़ाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। इनके शॉर्ट नोट्स बनाना मत भूलना, और जैसा मैंने कहा, आज रामनवमी के उपलक्ष में हमने हमारे जितने भी कोर्सेज हैं सब पे 21% का ऑफ रखा है, तो ज़रूर से एक बार अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करो और एकलव्य बैच को चेकआउट करो। अगर आपकी तैयारी हो भी गई है तो आप हमारे टेस्ट सीरीज़ वाले बैचेस भी देख सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे, अलग अलग यूनिट वाइज और कंबाइंड भी, ठीक है। तो अगर आपकी तैयारी हो गई है तो आप अपनी तैयारी को भी चेक कर सकते हो, राइट। तो ये जो है अपनी यूनिवर्सिटी पे सारे कोर्सेज हैं, आप सारे कोर्सेज को देख सकते हो, चेक कर सकते हो, और जो आपको बेस्ट लगता है उसमें आप खुद को एनरोल करवा सकते हो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्णा।